माय नेम इज अमन कुमार, आई एम फ्रॉम विलेज हापुड़ी, डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा। मेरा नाम प्रकाश है और मैं भी नेपाल से हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग के साथ। सो गाइस, मैं आपको आज कुछ स्टूडेंट से दिखाऊंगा, मिलाऊंगा आप लोगों को। अभी ये नए स्टूडेंट आए नेपाल से, पाकिस्तान से आई है, इंडिया से आई है, तो दिखाऊंगा उनका एक्सपीरियंस कैसा है, वो कैसा लग रहा है उनको साइप्रस में आके। और कॉलेज भी दिखाऊंगा, तो मैं अपना कॉलेज भी दिखाऊंगा, लार्नाका में अलेक्जेंडर कॉलेज है, बहुत ही बेस्ट कॉलेज है ये। तो लेट्स गो। बढ़िया है फिर तो। दिस इज मिस्टर दीपक चौधरी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष कुमार और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, कैथल डिस्ट्रिक्ट। आपको कितना टाइम है साइप्रस में आए को? मेरे को अभी एक मंथ ही हुआ है। कैसे फील हो रहा है आपको, क्या सीन है? ठीक ही फील हो रहा है फिलहाल तो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम समर हुसैन है और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। पाकिस्तान से कौन सी शहर से? मैं हूँ टोबा टेक सिंह से, मुल्तान के पास ही है, जिला टोबा टेक सिंह से हूँ मैं। तो आपका कितना टाइम है सर? मुझे भी अभी एक महीना हुआ इधर आए हुए। तो आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, अच्छा फील हो रहा है। पाकिस्तान से बेटर होगा? हाँ, पाकिस्तान से तो लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छा, वेदर अच्छा है, बिल्कुल सब कुछ ही अच्छा है, ठीक है। आपको पाकिस्तान से जी इंशाल्लाह मिल जाएगा। आपका नाम क्या है भाई? माय नेम इज अमन कुमार, आई एम फ्रॉम विलेज हापुड़ी, डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा। कैथल से है? हाँ। तुम दोनों भाई भाई हो? हाँ, ब्रदर हैं। सगे भाई हो? सगे भाई, एक ही माँ बाप के? हाँ। अच्छा। तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत बेटर फील हो रहा है, बस बस काम वगैरह का दिक्कत है, लेकिन हो जाएगा सर। काम तो तुम्हारा क्या नाम है, बेटर तो फील हो रहा है ना तुम्हारे, क्यों भाई है तुम्हारे साथ? ये बड़ा भाई है छोटा भाई है? बड़ा भाई है मेरे से। तो तुम भी जमजम इलेक्ट्रॉनिक की तरह दुकान खोल लो, बड़ा भाई छोटा भाई। ये भाई नेपाल से है, ये हमारी वीडियो देखता है। क्या नाम है तुम्हारा? हेलो, माय नेम इज अंकित, आई एम फ्रॉम नेपाल। और तो क्या बताऊं। कितना टाइम है आपको साइप्रस में आए को? मेरे हुए अभी 2 महीने हुआ है। 2 महीने ठीक ही है, घूम रहे हो अभी है ना? अभी घूम रहे, पेपर वेपर के लिए। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगा, काम भी तुम्हारा मिल जाएगा जरूर, ठीक है। हाँ जी। ये आ गया भाई, देखे चुलबुला भाई। मेरा नाम प्रकाश है और मैं भी नेपाल से हूँ। हाँ भी तो मेरा, मुझे यहाँ पे आए हुए 1 महीने हुए हैं। ओके, देख रहा हूँ, जगह ढूंढ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, काम ढूंढ रहा हूँ, वैसे ही है, कॉलेज आना जाना चलता रहता है। थोड़ी हमारा हिंदी मुश्किल है। अच्छी है तुम्हारी। ये भाई अपना खुद ही इंट्रोडक्शन दे दो अभी। नाम इसका नटवरी सुखा भाई वंग, लकी भाई नटवरी सुखा भाई वंगेला। और इसका नाम बहुत लंबा है, गुजरात से है, इसको 8 साल हो गए साइप्रस में। 8 साल हो गए, 10 साल ये पासपोर्ट की वेट कर रहा है। ये जा रहा है अमेरिका, जा रहा है अभी यहाँ से, मतलब ये जो है ना, ये कॉलेज से लीगली का मतलब ये ट्रांसफर कर देते ऐसे नहीं होगा। तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा ना, यूके का नहीं। जब तुम्हारी बैचलर तुम यहाँ खत्म करोगे अपना, फिर तुम अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। नहीं, अभी अभी यहाँ से पता कैसे जाओगे, अभी सर्दियों में बर्फ जम जाएगा सारा समुद्र में ना, अपनी अपनी साइकिल उठाना और आगे इटली निकल जाने का। ऐसे तो बहुत रास्ते हैं यहाँ से मूव होने के, रास्ते तो बहुत मूव होने के रास्ते बहुत है, लीगली बहुत है, लीगली। हाँ, लीगली भी है ना, जब तुम्हारी यहाँ से प्रिंट आ जाएगी तो करो अप्लाई, स्टूडेंट भी कर सकते हैं। भाई सबसे पहले तुम लगाना वीजा यूके का, यूके का वीजा आराम से निकल जाएगा तुम्हारा, कॉलेज के थ्रू नहीं, तुम स्टूडेंट लगाओगे ना, क्या बोलते हैं उसका, विजिटर वीजा। विजिटर हाँ। में तुम्हें कॉलेज से लेटर चाहिए, ठीक है ना, कॉलेज से लेटर चाहिए और तुम्हारी पिंक चाहिए, वीजा तुम्हारा निकल जाएगा यूके का। एक बार यूके घूम के वापस आ जाना, एक दो कंट्री का और लगाना, फिर जर्मनी का लगा के सीधा फिर आप तुम्हारा अपना यूएसए का भी लगा सकते हो। उधर ही परमानेंट सेटल होने के लिए सब, अगर तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन तुम्हें समझ लो कि यूके जाना है या यूएसए कनाडा, एक बेस्ट रास्ता है ये, खास करके कॉलेज का। बाद में फिर ऐसा ना हो कि एक साल के बाद तुम फीस पे ना करो और फिर तुम्हारे पास कोई स्टेटस ना रहे, फिर कोई फायदा नहीं है। कॉलेज से बना के रखोगे, टाइम पे फीस दोगे तो कोई चक्कर नहीं है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, कभी कॉलेज तक नहीं करेगा तुम्हें ये। जैसे ये पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग करना है एक बार, मतलब फ्रीजर में रख देना, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दो तीन बार विजिटर वीजा पे जाए तो पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा, वो तो होगा ही होगा लेकिन उससे, ठीक है ना, मेन चीज एग्जाम ध्यान रखना है तुम्हें, चाहे कॉलेज ना हो एग्जाम देने जरूर आना है। ये देख कैसे सीख दे रहा है लड़का। सिखा रहा हूँ मैं नए बंदों को भाई, कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहा हूँ।
काम सबसे ज्यादा लड़ना काम है भाई, तुम्हें मिलेगा अभी नए नए हो, थोड़ा वेट करो आगे। तुम कुछ तुम्हें कोई जानता नहीं है, इतने तुम्हारे कोई रेफरेंस नहीं है यहाँ पे, तो टाइम लगता है, लेकिन जब मिलेगा तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा। तुम सब यही देते हैं कॉलेज। अलेक्जेंडर कॉलेज में यार बहुत अच्छा कॉलेज है गाइस, ये मेरी कार है और ये हमारा कॉलेज है।